नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने पेगासस जासूसी मामला, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर मंगलवार को बैठक की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने और दबाव बनाने के लिए भी एकजुट होकर साझा रणनीति पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कागज फाड़ने और उसके टुकड़े कर हवा में लहराने तथा विधेयकों के लिए पारित किए जाने वाले तौर तरीकों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के लिए मंगलवार को विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि अपने आचरण से वह विधायिका और संविधान का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य कई विपक्षी नेताओं ने डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में मंगलवार को साइकिल से संसद पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के सशक्तिकरण को आज सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाखों परिवारों को निशुल्क राशन दिया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय CBSE की 10वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया। 99.4% छात्र इसमें उत्तीर्ण हुए हैं। अगरतला त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मंगलवार को गश्त पर निकले सीमा सुरक्षा BSF के कर्मियों पर आतंकवादी संगठन नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें BSF के 2 जवान शहीद हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सरकार ने मंगलवार को बताया कि केंद्र ने देश में नई चीनी मिलों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक, कारोबारी और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग तथा क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर कई साझा हित अहम मूल्य हैं और अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन की हालिया भारतीय यात्रा के दौरान इस बात को दोहराया गया। विदेश विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। बेल्जियम के खिलाफ ओलंपिक सेमीफाइनल में 2-5 की हार निराशाजनक है, लेकिन पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और स्टार गोलकीपर PR श्रीजेश ने कहा कि टीम के पास इस दिल तोड़ने वाली हार के बारे में सोचने का समय नहीं है, क्योंकि उन्होंने वीरवार को होने वाले कांस्य पदक के प्लेऑफ मुकाबले पर ध्यान लगाना होगा। युवा भारतीय पहलवान सोनम मलिक को मंगलवार को टोक्यो में महिला 62 किलोग्राम वर्ग के पहले दौर में मुकाबले में ही मंगोलिया की बोलोरुतुया खुलेरखू के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। ओलंपिक में पदार्पण कर रही सोनम को अब इंतजार करना होगा कि उन्हें रेपेज दौर में हिस्सा लेने का मौका मिलता है या नहीं।